गुजरात में अहमदाबाद जेल में बंद और भू माफिया घोषित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाहुबली की 400 करोड़ से ज़्यादा की दर्जनों अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस और प्रशासन ने अब अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बाहुबली अतीक अहमद गैंग के सदस्य और शार्प शूटर कहे जाने वाले प्रॉपर्टी डीलर अरशद और राशिद की अवैध बिल्डिंगों पर भी प्रशासन ने सरकारी बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर अरशद और राशिद पर आरोप है कि उसने स्टेट लैंड की तकरीबन 10 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर पेली कछार में अवैध इमारतें खड़ी कर ली हैं। अरशद और राशिद के साथ ही उसके भाई मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाहिद ने भी लैंड को कब्जा कर आलीशान कोठियां बना रखी है। बता रहा हूँ कि राजकीय स्थान की भूमि पर अवैध निर्माण था जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा संयुक्त रूप से। किसकी संपत्ति थी तो कितना? राजकीय स्थान के बताया तो राजकीय स्थान गवर्नमेंट स्टेट की जमीन थी। इसके कितना है ये एरिया? कितना? लगभग 10 विश्व के अराउंड में। क्या वो कुछ यहाँ पे बवाल के बाद क्या? अब सामान्य प्रतिरोध कहीं भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो प्रतिरोध तो होता है। पूरा डिमोलिश करना है या? हाँ, डिमोलिश करना जितना संभव हो पा रहा है किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सकरा जगह सकरी है तो समय थोड़ा लगेगा। एसडीएम सदर ने स्टेट लैंड को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का आदेश पारित किया है, जिस आदेश के अनुपालन में शनिवार को कई थानों की फोर्स और पीएससी के साथ सदर तहसीलदार अरविंद कुमार मिश्रा और पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक कुमार पांडे अवैध बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे, लेकिन इन अवैध बिल्डिंगों में रह रहे किराएदारों और अवैध निर्माण कराने वाले मकान मालिकों द्वारा पीडीए का ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध किया गया।